हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आ गई हूँ आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बातचीत करने के लिए, जो अभी इस वक्त हमारा समाज में बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो मैं आज आप लोगों से कुछ चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। बात यही है, जो हमारा जो पर्सनल लाइफ इतनी ज़्यादा वायरल हो चुकी है, इसमें क्या है ना, मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत इसमें मैं पति के अगेंस्ट बात करती तो शायद बहुत सारा लोगों का ताना ऐसे 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 मार सकती थी। बट क्या है ना, मैं मेरा पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जिस वजह से मैंने कभी ऐसे भी आप लोग नहीं जानती हो बट मैं तो जानती हूँ, जन हमारा पति जी ने इतनी सारा बातें, इतनी सारा जो उल्टा सीधा बातें बोले, क्यों क्यों उन्होंने मीडिया के सामने बोला इस बात को तो मुझे पता है, बट आप लोगों को तो पता नहीं है। तो इसीलिए है ना, बहुत सारा लोगों का एक कंफ्यूजन है जे ये रिश्ता एक्चुअली है क्या। मैं आप लोगों से क्लियर करके बताऊंगी। तो बात यही है, मैं आप लोगों से बताऊं, आप ये जो तस्वीर देख रही है मेरे पीछे अन्नू और अन्नू का पापा का, आप एक बात बताइए, जब पति पत्नी का झगड़ा होती है, जब पति पत्नी से लड़ाई हो जाती है और इतनी बड़ी बात है, तो आप सिंपल ना, आपका दिमाग में क्या क्या आता है, जब भाई सारे रिश्ता खत्म, सब कुछ खत्म है, इसको फार में जाए कर दो खत्म, बट मैंने क्यों नहीं किया, इस सवाल तो आप लोगों के मन में बहुत बार आ ही सकती है, जे मैंने क्यों नहीं किया है। बिकॉज मैंने इसलिए नहीं किया है, एक्चुअली अनु के पापा जो भी किया है उन्होंने माफी भी मांगा है, और सबसे बड़ी बात जो है, जे अनु का दो भाई जो मम्मी है, इसका पता तो अनुने का पापा ही बता दिया है। तो जब किसी बंदा ने झूठ बोल के उसके बाद सच बता देती है तो उसके ऊपर गुस्सा नहीं आना चाहिए, आप वास्तव में उससे प्यार करती हो तो। और इतनी कुछ होने के बाद मैं अनु का पापा को बहुत प्यार करती हूँ, बिकॉज इस बंदा ने मेरे को बहुत प्यार करती है अभी भी, ऐसा नहीं है। देखो आप लोगों को मैं आप लोगों से बताऊं, जब आप लोगों को ऐसा कंफ्यूजन हो सकती है जो भाई सोनिया अभी रो रही है, अभी ये हो गया वो हो गया, भाई उनका रिश्ते का क्या क्या हो रही है, मैं आप लोगों से क्लियर करके बता रही हूँ, मेरा और अनु का पापा का रिश्ता बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत रिश्ता है, इस रिश्ते पे कोई हाँ उंगली भी नहीं उठा सकती है। जो हो गया है, जो मीडिया पे आ गया आ गया है, जितनी करना था गुड़िया का कर चुकी है। और सबसे बड़ी बात बोलूं, इस रिश्ते को दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है तोड़ सकती है। मेरे अंदर बहुत गुस्सा है अन्नू का पापा को लेके, उसका फैमिली के ऊपर, बट इसके लिए ये नहीं है मैं रिश्ता तोड़ दूंगी, बार रिश्ता खत्म कर दूंगी, नए रिश्ते पे जुड़ जाऊंगी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा पूरा परिवार सही है, सब हर हर जगह बंदा अपनी अपनी जगह पे सही है, और मैं अन्नू का पापा अन्नू हम तीनों ही बहुत खुश है। और अन्नू का पापा चाहे दूर रहे, चाहे पास रहे, चाहे कहीं भी रहे, और अपना खुशी का राज किसी को नहीं बताना चाहिए। और अन्नू का पापा ठीक है, सही है, वो उनके जगह में वो सही है। अन्नू का पापा बहुत प्यार करती है मेरे से, अन्नू से। देखो प्यार सिर्फ दिखाने का चीज नहीं है, एक बार मैंने दिखा के बहुत बड़ी गलती किया मेरी जिंदगी में, सबसे बड़ी गलती किया है मैंने, सबको दिखा के मैंने सोशल मीडिया पे फोटो नहीं डालता, मेरे को मेरा जो खुशी है, मैं कहाँ रह रही हूँ, क्या कर रही हूँ, होती है ना पति के साथ, एक्चुअली क्या है ना, मैंने सोशल मीडिया पे जो फोटो डाला है ना, वो अनु का पापा ने ही पहले डाला। अनु का पापा के अंदर ऐसे फील हुआ शायद, जे भाई मैंने सोनिया को शादी कर लिया, शायद मैं थोड़ा एजेड है इसीलिए सोनिया मेरा फोटो नहीं डालना चाहती है। मैं सोशल मीडिया से बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ बट मैंने कभी नहीं डाला अनु का पापा का फोटो। तो अनु का पापा एक महीने बाद, अनु का पापा खुद अपने हाथों से मेरा फेसबुक में उनका फोटो डाल दिया। उसके बाद से आप जानती है बंगाली है सब, सब लोगों का अंदर वही चलेगा, भाई परसों तो देखो मैं किससे शादी किया उसको तो देखो, बट समालोचना हमेशा ही रहेगा, जिसके पास काम नहीं है वो समालोचना करती ही रहेगा हमेशा। तो वही उससे स्टार्ट है मेरा जो सुख, मतलब लोगों का जो बोलती है ना नजर लग गया है, क्योंकि हम दोनों ने बहुत अच्छे से, दोनों फैमिली को अनु का पापा ने बहुत अच्छा से मैनेज किया है, बहुत अच्छा से। दीदी भी बांग्लादेश आ चुकी है, मैं भी जा चुकी हूँ, बट क्या है ना, हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है, तो बहुत अच्छा से हैंडल किया था सब कुछ, बट मेरे बेवकूफ
मैंने एक नंबर का बेवकूफ हूँ, मेरे वजह से ही आज इतनी सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, जो भी है सोशल मीडिया का जो प्रॉब्लम है। रचना शर्मा ने तो सोशल मीडिया पे हम दोनों को बैठा दिया इंडिया जाने के बाद, इससे पहले मेरे बेवकूफ़ी की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि मैं ज़्यादा सबसे सबको विश्वास करती हूँ। मैंने सोता भाई सोती नहीं है, ये मेरा दीदी है, बट यही मेरा सबसे बड़ी गलती है, कमजोरी है। मैंने उनको सोते नहीं समझना चाहिए था, जो दुश्मन तो दुश्मन ही होती है, बट दीदी समझ लिया, जिस वजह से अब इतनी सारा पर्सनल लाइफ दुनिया के सामने आ चुकी है। बहुत सारे लोग इसमें खुश है, बहुत सारा लोगों को ऐसा लगा भाई सोनिया का जिंदगी तो खत्म है, बट मैं एक बात बताऊँ, मैं सोनिया हूँ। सोनिया जो टूट के जीना सीखती है ना, उसको कोई नहीं टूट सकती है, तो मैंने टूट के जीना सीखा है, तो मेरे को कोई नहीं इस जीना से कोई नहीं मेरे को दोबारा टूट सकती है। तो और एक बात बताऊँ, इस जन्म में तो अनु का पापा ही मेरा पति है, अगले जन्म में भी रहेगा। और दूसरी बात रहा हूँ, मैं अनु का पापा से बहुत प्यार करती हूँ, मेरा रिश्ते से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और वो अनु का पापा है, उस जैसा कोई हो नहीं सकती है, कभी नहीं बन सकती है। और मैं उनसे प्यार करती हूँ, मेरे से प्यार करती है, हम दोनों का रिश्ता जन्म जन्म का है। इस रिश्ते को कोई भी थर्ड पर्सन इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकती है, इस रिश्ते से हम दोनों को अलग नहीं कर सकती है, चाहे वो क्यों रचना क्यों ना हो, कभी नहीं कर सकती है। मैं इसीलिए आप लोगों को मैं बताऊं, क्योंकि काल मैंने लाइफ में बहुत रोया है, बहुत सारा गुस्सा है, बहुत सारा चीज़ें मैं सही बता नहीं पाती हूँ। मैं थोड़ा जब गुस्सा हो जाती हूँ ना, मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाती है, और उसके लोगों का ना एक मसाला बन जाती है बात करने का, उसमें हाँ भाई आपने ये तो बोल दिया है, अब एक एक बताओ जे मैंने बोल दिया, मतलब कुछ तो है, तो वही बात है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, देखो मैं मेरे ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, सब कुछ लेके बहुत खुश हूँ, और आई लव माई हस्बैंड ऑलवेज। मैं अनु का पापा को प्यार करती हूँ, करती ही रहूँगी, और मैं उनका अभी हूँ, कल भी हूँ, आने वाला ज़िंदगी में मैं ही रहूँगी। तो वही बात है, आप लोग गलतफहमियों मत रहा करिए जब भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी अनु का पापा हमारा साथा है और रहेगा, और अनु को उसका पापा ने बहुत प्यार करती है। तो ये जो रिश्ता है ना, मजबूती से बनी है, प्यार से बनी है, प्यार से बने वाला कोई रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होती है। तो यही बात है, आप लोगों से मैं क्लियर करके इसीलिए बताया, क्योंकि इसमें कुछ लोग मेरा रोने से बहुत खुश हो जाती है, तो मैं तो आज सोच रहे हैं जो भाई मैं कभी रोना धोना नहीं करूँगी, चाहे जितनी भी गुस्सा हो कभी लाइव में आके नहीं रोऊंगी, क्योंकि ये लाइव में आके रोने से अनु का पापा का फैमिली जो भी है, मैं गुस्सा से बोल दिया, अनु का पापा के ऊपर मेरा जितनी गुस्सा था सारे निकल दिया एक दिन में, तो उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा फायदा लेने का कोशिश किया है, तो इसलिए मैं आप लोगों से ये बात शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग गलतफहमी में मत रहा करिए, जे अनु का पापा को मैंने इस तरह से बोल दिया, मतलब सोनिया का तो अभी और भी प्रॉब्लम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात ये है, सब कुछ आराम से चल रहा है, और आने वाला ज़िंदगी में भी चलेगा। आप लोग जिस तरह से मेरे को सपोर्ट किया, उस तरह से सपोर्ट करती रहे, हाँ जरूर मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को आगे बढ़ाना है। और आज मैं यूट्यूबर बनने का कोशिश कर रही हूँ, मैं ये नहीं बता रही हूँ भाई बन चुकी हूँ, मैं बन नहीं पाया, क्योंकि मैं बहुत मेहनत नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं मेहनत सिर्फ अनु का पापा के लिए और अनु के लिए करती हूँ, बट ये यूट्यूब में इतनी मेहनत नहीं करती हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ यूट्यूब चलाने के लिए, अच्छा एक यूट्यूबर बनने के लिए, बिलीव मी इसके लिए मैं खुद ही मेरा खुद का जो प्रोचेष्टा है बड़ी है, खुद का जो एक प्रयास है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, कोशिश जारी रहूँगी अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करना, और ढेर सारा प्यार और सब्सक्राइब जरूर करना है। और मेरा जो बांग्लादेशी लोग मेरे को देख रही है, तो सबको वेलकम मेरे चैनल पे, और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करना, बहुत ज़्यादा, जो मैं एक अच्छा खासा एक यूट्यूबर बन जाऊँ। तो थैंक यू सो मच, कैसे लगे मेरे ब्लॉग जरूर बताना कमेंट्स में। टाटा।